से तो सहमत बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि सेक्स एक बहुत ही प्राइवेट चीज़ है और इस चीज़ को एकदम डायरेक्ट विधानसभा में उछाला जा रहा है और सारी महिलाओं के बीच में ऐसा बोला जा रहा है जो नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि सबको सब कुछ जानते हुए भी बहुत कुछ प्राइवेट से रखा जाता है और उस चीज़ को डायरेक्ट आप मीडिया में उजागर कर रहे हैं। इसमें महिलाएं लोग बोलना भी चाहेगी तो नहीं बोल पाएगी उस जगह, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अभी जहां महिलाओं के आगे भविष्य के सोचना चाहिए, वहां तो कुछ हो नहीं रहा है। बिहार विधानसभा में पिछले दिनों सेक्स को लेकर दिए गए स्पीच पर बिहार के भागलपुर जिले की महिलाओं ने कड़ा विरोध किया है। इन महिलाओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा, विकास का मुकुट पहनने वाला बिहार का मुखिया को महिलाओं की इज्जत की थोड़ी भी परवाह नहीं है, अगर ख्याल होता तो इस तरह का बयान नहीं देते। बिहार विधानसभा में जिस तरह से वो बोले थे सेक्स को लेकर, या कहीं से भी उन्हें शोभा नहीं देता है। वो अन्य तरीकों से भी, अच्छी बातों से भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने खुलकर जिस तरह से सेक्स पर स्पीच दिया है, यह महिलाओं को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उन्हें यह भी ख्याल करना चाहिए था कि उसी विधानसभा में अन्य महिला विधायिका भी है। उनकी स्पीच को बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, पुरुष सभी सुन रहे हैं। इन महिलाओं ने कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, नहीं लगता है कि वो फिर मुख्यमंत्री भी बन पाएंगे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा यही कहना है कि बिहार को देखने के लिए और कोई मुद्दा नहीं बचा है, सिर्फ यही मुद्दा बचा है, महिलाओं को सेक्स कैसे करना चाहिए और पुरुष को क्या करना चाहिए। इन सभी बातों को करने के लिए उनको शर्म नहीं आया कि हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं। वहाँ पर महिलाएं भी हो सकती हैं, उनको संस्कार नहीं है जरा सा भी, संस्कार खत्म कर चुके हैं। जब प्रधानमंत्री के बराबर बैठने का सपना है उनका, तो क्या प्रधानमंत्री के बराबर उनका सोच और संस्कार कुछ तो सीखना चाहिए। कितने अनैतिक बात प्रधानमंत्री जी को बोले जाते हैं, पर क्या प्रधानमंत्री जी कोई प्रतिक्रिया देते हैं, कोई भाषण देते हैं, या कोई ऐसा असंवैधानिक बात बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, और सभी का सम्मान करते हैं, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबको, सबके लिए सोचते हैं। तो आप सबके लिए सोचिए, हम लोग ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, कहाँ संख्या बढ़ रहा है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। जिसके पीछे आप लोग भाग रहे हैं, संख्या उधर ही ज़्यादा बढ़ता है, वो ध्यान दीजिए। हम लोग ऐसे असंवैधानिक काम नहीं करते हैं, हम लोग पढ़ लिख के आपको हटाने का ताकत रखते हैं, आपके जैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हम लोग किसी से कमज़ोर नहीं है, चाहे शिक्षित महिला हो या अशिक्षित महिला हो, कोई भी गलत काम करने के पहले हज़ार बार सोचती है। आपको क्या लगता है, जो अशिक्षित महिला है वो गलत काम करती है? सिर्फ शिक्षित महिला बच्चों को पैदा करने में सोचेगी और सक्षम होगी? आपके कहने का तो यही मतलब है कि जो अशिक्षित होगी वो जो मन शौक करेगी, जो मन में आएगा करेगी, आप यही ना सोचते हैं? ऐसा नहीं है, अशिक्षित महिला के सामने आप जाके देखिए, आप ऐसा प्रस्ताव रखिएगा, आप सीएम होंगे अपने घर में, आपको भी चप्पल उठा करके मारेगी और आपको पता चल जाएगा कि अशिक्षित महिला को भी आप चाहिए तो सेक्स नहीं कर सकते हैं उसके मर्जी के खिलाफ। आपके कहने का मतलब हमको समझ में आया, क्या बिहार की हर जनता को समझ में आ गया? आप ऐसे शर्मनाक बात जो करते हैं वो थोड़ा सोच लीजिए कि आप बिहार के सीएम हैं और सीएम के मुंह से ऐसे शब्द, ऐसे गंदे शब्द सदन के भीतर शोभा नहीं देता है, कोई नहीं करता है। छोटा जात हो, बड़ा जात हो, छोटा वर्ग का लोग हो, कोई भी गलत बात एक बार भी बोलने के पहले सोचता है। आपको शर्म नहीं आया? ऐसे खोल के बोल रहे हैं जैसे कि क्या बोले, कहीं भी हम लोग सुनने के लिए नहीं मिला। और आपको सीएम बन के जगह पीएम बनना है, आप कुछ नहीं बन पाइएगा, मुखिया का चुनाव भी हार जाइएगा। वो तो दूसरे के भरोसे आप इतना सारा पद ले लिए, आपका खुद का बल नहीं था। तेजस्वी की सरकार जो सेक्स पर ही चर्चा कर रही है, क्या लग रहा है आपको, ये सही है? नहीं, वो बिहार विधानसभा में बिहार के विकास पर भी तो चर्चा कर सकते थे, क्या आपका मत है इसमें? मैं इससे तो सहमत बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि सेक्स एक बहुत ही प्राइवेट चीज़ है और इस चीज़ को एकदम डायरेक्ट विधानसभा में उछाला जा रहा है और सारी महिलाओं के बीच में ऐसा बोला जा रहा है जो नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि सबको सब कुछ जानते हुए भी बहुत कुछ प्राइवेट से रखा जाता है और उस चीज़ को डायरेक्ट आप मीडिया में उजागर कर रहे हैं। इसमें महिलाएं लोग बोलना भी चाहेगी तो नहीं बोल पाएगी उस जगह, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अभी जहां महिलाओं के आगे भविष्य के सोचना चाहिए, वहां तो कुछ हो नहीं रहा है और ये गलत अभद्र तरीके से बात को फैलाया जा रहा है। महिलाएँ भी वहाँ पे MLA है, बैठी हुई है, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि सेक्स एक प्राइवेट चीज़ है, उसको सब लोग जानते हैं कि है क्या, लेकिन वो बहुत अंदर रखा जाता है और सब महिलाएं के बीच में इस तरीके की बात हो रही है
तो ये बहुत अभद्री बात है। और ये सरकार पता नहीं आगे क्या बनेगी, आगे तो बहुत कुछ सोच रही है, अभी सरकार गिरेगी या बनेगी आई डोंट नो। क्या कहना है कि जब बिहार के मुखिया इस तरह की बात करते हैं? ये तो बिल्कुल घटिया सोच हो गया ना, ये तो बिल्कुल घटिया सोच हो गया। ये पीएम बनने के भी सोच रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है, तो क्या लगता है इस पे? पीएम तो आगे जन्म में भी नहीं बनेंगे, ये तो लिख के दे देते हैं आगे जन्म में भी नहीं बनना है पीएम। ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए, इस तरह की सेक्सुअल भाषा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि बोले तो सबसे फर्स्ट टाइम ये सबको ही जानते हैं, शादी होती है सब जान रहे हैं किस लिए हो रही है, सब चीज़ जानते हैं, लेकिन ये प्राइवेसी को ये डायरेक्ट उजागर कर रहे हैं, ये बिल्कुल अभद्र बात है। सब लोग सब तरह, लेकिन छिपे रुस्तम में भी बोल सकते हैं, इसको एक पर्दे में भी करके बोला जा सकता है, लेकिन ओपनली इस तरह नहीं बोलने का है, वो भी डायरेक्ट परिषद में। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में कल सेक्स को लेकर के कुछ विशेष जानकारी वो दे रहे थे, क्या लगता है ऐसा उनको इस तरह की बातें करनी चाहिए? क्या लगता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सिर्फ सेक्स पर ही चर्चा करते हैं, क्या वो बिहार के विकास पर भी तो चर्चा कर सकते थे? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी हाँ, नीतीश कुमार को, आदरणीय नीतीश कुमार को बिहार के बारे में चर्चा करनी चाहिए, पर उन्होंने जिस तरीके से ये विधानसभा में खुलकर अभद्र तरीके से बातों को रखा है वो उनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वो दूसरे तरीके से भी वो बातों को समझा सकते थे, बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने इतने अंदर में घुस के जाके मतलब बातों को रखा है, उन्हें ये थोड़ा सा भी मतलब शर्म नहीं लगा कि सदन में महिला भी बैठी हुई है, उनका भी उन्होंने लिहाज बिल्कुल भी नहीं किया। जो अब बिहार के विकास के बारे में तो वो कुछ सोच नहीं रहे हैं, अगर महिलाओं को वो कई तरीके से वो जागरूक करके वो बातों को रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरीके से खोल के रखा है कि महिलाएं उसे सुन के शर्म से वहाँ पे किसी के सामने बोल नहीं पा रही है, ये तो बहुत ही शर्मिंदगी किया। और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा है, वो अगर प्रधानमंत्री उनको बनना है तो अपने हर चीज़ पर उनको कंट्रोल रखना पड़ेगा, और अब वो ना भूल जाए कि अब उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, उन्हें ना जाके नॉलेज लेनी चाहिए, ज्ञान लेनी चाहिए कि हमें लोगों के सामने में किस तरीके से बातें करनी है, एक सरकार होने के नाते, इस बिहार के मुखिया होने के नाते हमें लोगों के बारे में किस तरीके से बोलना है। ये नहीं कि महिलाओं के विकास का जो वो मतलब मुकुट पहन के रखे हैं उसको वो बाद में वो नंगा कर दें, ये तो बहुत ही शर्मिंदगी बात है, मैं क्या मतलब बोलूं इनके बारे में। उन्हें भागलपुर से अतीश दीपंकर की रिपोर्ट।